हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। स्विमिंग बाय टेक्निकल लवली मनी के चैनल का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के कुछ कमेंट है वो मैं आपको रिलीज़ कर देता, पहले ही बता देता हूँ। एक तो 300 नंबर शॉप की मुझे कवरिंग करनी है, जिसने मुझे कमेंट किया, भाई ने कमेंट किया है। अब मुझे ये नहीं पता वो भाई शॉप पे बैठा है या फिर उनके पेरेंट्स है या फिर उनके पेरेंट्स घर है, आई डोंट नो। पर 3 नंबर शॉप कवर करनी है। और एक दूसरा कमेंट था कि भाई आप हर एक शॉप पे जाके मुझे रेट का कंफर्म कर दो। रेट नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी वो 30 आधे आधे घंटे की वीडियो होती है, तो उसके लिए सॉरी। और एक था कि शॉप नंबर 113 नंबर शॉप कवर करनी है, तो उसने सिर्फ शॉप नंबर 113, वो भी आज की वीडियो में दिखा दूंगा। और बाकी जो 300 नंबर शॉप है उसकी मैं वीडियो अच्छे से दिखा दूंगा, क्योंकि भाई शायद भाई की फैमिली है या कुछ भी है, तो भाई टेंशन ना ले, पूरी हो चुकी। और एक यूएसए की फैमिली है जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा मैसेज किया, पर मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैंने अपने दोस्त से पढ़ाया था। तो बहुत बहुत थैंक यू, सबसे पहले आपने मेरी वीडियो देखी और लाइक ज़रूर किया करो। और एक थोड़ी सी शिकायत है, प्रॉब्लम है कि मतलब कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि कोशिश है कि हाँ भी मैं अच्छी बनाऊँ, पर उसमें जो इस वेले लाइक पर्सन चल रहे हैं, उसमें सपोज करो कि अगर 100 जनों ने देखे हैं तो सिर्फ 4 जने लाइक कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया करो, इससे मोटिवेट मिलता है और कुछ नहीं। क्योंकि कई बेले क्या होता है कि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ और मुझे काफ़ी टाइम रुकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जैसे यहाँ पे भी डीजे लगे हैं, वहाँ पे भी डीजे लगे हैं। डीजे पे जब गाना चलता है तो मैं वेट करता हूँ कि कब गाना बंद होगा, कब मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, तो काफ़ी टाइम लगता है। मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो सोच लो कि मैं सारे एक दिन में 10 से 12 हज़ार 15 16 हज़ार तक स्टेप चलता हूँ, जिसके कारण वैसे ही बंदा थक जाता है। उसके बाद एडिटिंग करनी, रात को 3 बज जाते हैं कई बार। ये वीडियो मैं रात को पूरी रात एडिटिंग करके अपलोड करता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, फिर पता चलता है कि उसको कहाँ से कट करना है, फिर एडिटिंग करता हूँ, तो मेहनत बहुत लगती है। प्लीज़ लाइक कर दो। और कमेंट था कि भाई यहाँ पे रथ है, वहाँ पे एक उनका नाम बताया था, नाम मैं भूल गया, उसके लिए सॉरी भाई। उनका कोशिश करूँगा, अगर इंटरव्यू ले पाया तो लूँगा ज़रूर। और अगर क्या कहते हैं, हाँ, अगर मैं उनको मिला तो आपका जो आपने बोला कि हमारी तरफ से उनको प्रणाम करना, वो भी ज़रूर कर दूंगा और बकायदा तो वीडियो में बना दूंगा। पर नाम मुझे नहीं लेना आता, नाम मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, मेरी यादाश्त बहुत कमज़ोर है, स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं, मतलब कि नाम भूल जाता हूँ। और बस, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। आज गीता जयंती का डे 5 है, डे 10 के 10 मिलेंगे, डे 5 है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे म्यूज़िक होगा, वहाँ पे मैं थोड़े कट कर दूँगा। तो शॉप नंबर ये हम मैंने जो ख़त्म की थी वहाँ पे, इस कोने पे ख़त्म की थी, ठीक है, वो इधर वाले कोने पे ख़त्म की थी, ठीक है। उसके आगे मैंने वो वहाँ से वहाँ तक बनानी है, गेट नंबर 1 से 2 मैंने बना दी थी, जो कल के मैसेज थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक ज़रूर करना यार। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में चल रहे थे गाने, तो इसलिए मैंने इसकी नॉइज़ कैंसिलिंग कर दी, तो खुद कमेंट्री कर रहा हूँ। अब हम जा रहे थे 300 नंबर शॉप, उससे पहले आएगी 113 नंबर शॉप, जो कि मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और वीडियो लंबी होती है उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे जो भी काम चल रहा है वो आपको साथ के साथ दिखता रहेगा। और अभी थोड़ी सी मैं इसको कट करके इसको थोड़ा फॉरवर्ड करूँगा, जिसके कारण हम जल्दी जल्दी आगे पहुँचेंगे और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और आगे जाके भी काफ़ी जगह पे गाने चल रहे थे, जिसके कारण मैं लेट भी हो रहा था और गाने बंद नहीं होने थे, क्योंकि आज गीता जयंती में, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि आज सोमवार था, आज बाहर क्या था, बाहर बोल गया मैं, आज बार था, सोमंगल, बुधवार था आज, हाँ बुधवार था, तो बुधवार में भीड़ कम होगी, संडे सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। पर मैं आपको डे टू डे आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। ये आप शॉप नंबर देख सकते हो, मैं कमेंट्री कर रहा था पर गाने चल रहे थे पीछे। अभी जैसे घर आके जब मैं एडिटिंग करता हूँ, शॉप पे एडिटिंग करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड में अगर गाने आ रहे तो मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, जिसके कारण मेरी चैनल पे मुझे वीडियो या तो हटानी पड़ती है या फिर जो शेयर होता है उनको देना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं नहीं करता, मैं अपने चैनल पे सिर्फ अपना ही कंटेंट डालता हूँ, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो मैं वीडियो हटा देता हूँ। ये पानी, यहाँ लाइटिंग शो लगेगा, तो यहाँ पे काम चल रहा है, ये आप देख सकते हो। इसको सुनने में आया कि ये 4 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, और शायद उससे पहले हो गया तो मैं आपको दिखाऊंगा, 4 तारीख को लाइटिंग शो होगा। तो चलो अब इसको थोड़ा फॉरवर्ड में निकाल देते हैं। बैकग्राउंड में मैंने कम साउंड लगाया, उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक बहुत ज़्यादा चल रहा, गाने चल रहे थे, इसलिए उसको बंद किया। 13 नंबर शॉप का कमेंट आया था, जो ये 13 नंबर शॉप है, यहाँ पे शॉल, फुलकारी, क्योंकि पंजाबी सारा मिलने वाला है आपको, ओवरऑल पंजाबी मिलने वाला है। तो चलो एक बार अंदर भी जाके दिखा देता हूँ कि क्या क्या है, रेट क्या क्या है, वो भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे फुलकारी हैं, ये भैया लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये देख सकते हो फुलकारी, और ये सारी फुलकारी हैं, पंजाबी है, ओनली पंजाबी कल्चर है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो।
कोई भी लो जी। क्या रेट है, क्या रेट है भैया? 450 का सूट है सर, 450। 450 का 450 का सूट है और गर्ल्स सूट है, जो बाकी आपको पसंद आता है आप देख सकते हो। और फुलकारी अच्छा सूट दुपट्टा ये सारा इनके साथ ही है। तो फ्रेंड्स ये था कि हमें क्या था 113 नंबर शॉप का कमेंट आया था मुझे, तो एक नंबर कमेंट तो हमने कवर कर दिया, ठीक है। ये वहाँ पे है, यहाँ पे शावर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइटिंग शो लगेगा, ठीक है। उसके एकदम सामने 113 नंबर शॉप है, इसका कमेंट आया था। जो पहला कमेंट तो कवर हो गया, अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। आगे जाएंगे जल्दी जल्दी और उसके बाद हम कमेंट करेंगे 300 नंबर शॉप। 300 नंबर शॉप बहुत दूर है और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होगा, वहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली इसको कट कर दूंगा, तो थोड़ा हेल्प कर लेना। ये देख चेक कर सकते हो और एक बार जोएसे फैमिली को भी इंजॉय करो आप जी। पता नहीं मुझे आपको बस समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा वैसे, बल्कि काफ़ी उन्होंने मैसेज किया वो, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को इतना सपोर्ट किया। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहे, आपको 10 दिन की गीता जयंती पूरी दिखा देंगे। बाकी परली साइड जो झूले जाले लगे ना, उधर झूले लगे वो भी सारे दिखाएंगे। और क्या था, और कोई कमेंट था? और हाँ, पंकज भाई कैसा है, तूने नाम बोलने के लिए बोला था, तो हाय पंकज कैसा है भाई। इसका भाई का मैसेज आया था कि भाई मेरा वीडियो में नाम लेना, हाय पंकज भाई कैसा है, पूरा नाम मैं भूल गया, पंकज दुआ क्या कुछ ऐसे था, मैं भूल गया सॉरी। हाय पंकज भाई कैसा है, वीडियो देखी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह सपोर्ट करते रहे, मेरा टेक्निकल लवली मनी चैनल को भी सपोर्ट करें, ठीक है। और गीता जयंती हम पूरी दिखाएंगे, टेंशन लेनी भी फिक्र रहना आपने, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं 300 नंबर शॉप पे, ठीक है। 300 नंबर शॉप जो है बहुत आगे आएगी, तो चलो 300 नंबर शॉप पे, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, मैंने बैक कैमरा चला दिया है, ठीक है। और हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। और फिलहाल अभी जो टाइमिंग हुआ है वो दोपहर का 3 बजे हैं, ठीक है। भूख भी लग गई, अब क्या करें, वीडियो शूट करनी है, ठीक है। तो अभी इधर गाने चल रहे हैं, दूर चल रहे हैं वो गाने, अभी नॉन कैंसलिंग इसकी बढ़िया है, तो नॉन कैंसलिंग के कारण गाने नहीं आएंगे। पर जैसे मैं थोड़ा साउंड ज़्यादा है तो मैं उसको कट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि फिर मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा के, मतलब कि आपको, मतलब कि मेरी नॉन्स नहीं सुनेगी बैकग्राउंड में, जो यूट्यूब का ओ बॉयज़ की इधर जुतियाँ भी है, ठीक है। ये देख सकते हो 150 नंबर शॉप है ये, ठीक है। तो ये लेडीज़ झुमके हैं, जो 300 नंबर शॉप है वो भी ज्वेलरी की है, ठीक है। ये ओवरऑल आप देख सकते हो, पायदान पूजन सारा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, जहर वाला, ठीक है। यहाँ पे सूट साट लगे हुए हैं, ये फ्लावर है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। नुक्कर में ये ऊपर LED लगी हुई है सारा कुछ देखने के लिए, ठीक है। रात को लाइटिंग लूटिंग के लिए सारा सिस्टम लगा है, कंट्रोल के लिए, ठीक है। ये शॉप नंबर 636 है, ठीक है, 163 है, ठीक है। ये शोल चाल है, ठीक है। ये कप कुप देख लो, चाइनीज़ वो भी है उनकी, वो डालने के लिए, ठीक है। तो इधर इधर जो है वो सारा ब्रह्मसोर, वहाँ लाइटिंग शो चल रहा है, वहाँ पे रथ है जो कि मैंने पहले कवर कर लिया है, ठीक है। और बाकी मैं आरती की वीडियो तेरी ही बनी तेरी रही सी रहा है। और क्या कहते हैं, आरती मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ बैकग्राउंड में एक और आरती चलती है जो कि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगी। जिस दिन नहीं चली उस दिन, अगर जिस दिन उन्होंने खुद की है ना, उस दिन मैं कवर करूँगा, पूरी कवर करूँगा आरती, ठीक है। बाकी देखते हैं, आरती के लिए मुझे शाम को आना पड़ेगा और लाइटिंग शो भी कवर करना है। जिस दिन लाइटिंग शो कवर करूँगा उस दिन कोशिश रहेगी कि मैं आरती भी कवर कर लूँ। तो फिलहाल आप मेले का आनंद उठाओ, ठीक है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, नंबर 150 मैंने पहले दिखाई हुई है, यही सेल आपको 100 रुपये वाले भी मिल जाएगी, वो भी मैंने पहली वीडियो में दिखाया हुआ है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये फ्लावर पॉट है जिसमें बैंड भी बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शोल ले रहे हैं, बाकी बच्चे बोर हो रहे हैं, ये हमारे साथ ऐप का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं आगे तेज़ तेज़, ये पोपड़ी ये देख सकते हो, ए चक, तो यही मेले की जान होती है, ठीक है। बाकी ये एरिया मैंने सारा दिखा दिया है, उधर जो परली साइड दिखाया था वो ज़्यादा है नहीं इतना, ठीक है। तो हम जा रहे हैं आगे आगे, तो यहाँ पे है अचार, अचार है यहाँ पे, आप अचार खरीद सकते हो और पर्स खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। खरीदने के लिए आप कुछ भी खरीद सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं खरीदना, आप खरीद सकते हो। बाकी यहाँ फीमेल्स के लिए हैं, पापड़ हमारे लिए हैं, पापड़ अभी मैंने खाने नहीं क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पर्स
देख लो 250 रुपये पर सेल, सेल 250 रुपये, ठीक है। ये 250 रुपये वाली सेल देख लो कहाँ लगी है, 225 नंबर शॉप पे है, ठीक है, 225 पे, ठीक है। अब बस यही है, कमेंट आज के तीन ही थे, बाकी मैं अगर कोई मिस कर गया हूँ उसके लिए सॉरी। बाकी इस साइड में आपको दिखा देता हूँ कि ये साइड हम कल कवर करेंगे, इधर है ना मतलब कि झूले लगे हुए हैं, बंगूड़े मतलब कि जो बड़े बड़े झूले होते हैं ना, ये आपको दिखाता हूँ, मेले की जान ये लगे हुए हैं, ये मैं आपको कल कवर करके दिखाऊंगा, आज फिलहाल मैं ऐसे ही कवर करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मतलब कि इधर मेले लगे हुए हैं, इधर मतलब कि मौत का कुआ, भंगूड़े बड़े बड़े, किश्ती, ये बहुत बहुत लगा हुआ है, तो ये आप दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो, ये सारा आपको कल दिखाऊंगा, कल ये कल कवर करेंगे हम सारा का सारा, ठीक है, ये कल वाला, ठीक है। आज के लिए क्या करना हमने कवर, आज तो हमने जो कमेंट आया वो कवर करने, हमने पापड़ ले लिए खाने को, पर मैंने 5 रुपये के लिए हैं, 10 रुपये के दो है, ठीक है। अब मैं पापड़ खाऊंगा और साथ के साथ कमेंट्री करूंगा, पर दो काम एक साथ करने कैसे रहेंगे पता नहीं, मैं बैक कैमरा चलाता हूं, मैं खा रहा हूं पापड़ और साथ के साथ वीडियो बना रहा हूं। अभी मैं जा कहा रहा हूं 300 नंबर शॉप के पास, और मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से, ये काम भी जरूरी है, पापड़ खाना नहीं वीडियो बनानी, क्योंकि मेरी वीडियो का कई जने काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनको रहता है, एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ भी हमारे कुरुक्षेत्र हरियाणा की वीडियो आएगी, ठीक है, कई होते हैं। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, यह है कि कल मुझे एक लड़का मिला जो कि यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया है, बाहर से आया है, उसको नहीं पता कहाँ घूमना है, तो उसने वीडियो सर्च मारी, मतलब कि ऐसे सर्च मारी मेरी वीडियो आ गई होगी, तो फिर वो गीता जयंती देख रहा है, काफ़ी खुशी हुई क्योंकि ये चीज़ देख के। पीछे अपने ताऊ आ रहा है, कोई चक्कर नहीं, मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ, YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या सीन है, हम शॉप नंबर 250 पे पहुँच गए हैं, 50 शॉप्स रह गई है, आई थिंक वहाँ तक शॉप आ जाएगी, मैं दिखाता हूँ, नुक्कड़ तक शॉप आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं पापड़ खा रहा हूँ, साथ के साथ कमेंट्री कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि वो गाने हट जाए, क्योंकि गाने की वजह से मेरी वीडियो में डिस्टर्बिंग होती है। बाकी इधर पाव भाजी खानी है, आपने कुछ खाना है तो यहाँ पे आप खा सकते हो, 100% शुद्ध देसी घी में जलेबी है, ठीक है। बाकी 255 में हम पहुँच गए हैं जहाँ शौचालय है, और वहाँ पे डीजे लगे, और वहाँ पे भी डीजे लग गया, वहाँ पे डीजे बज रहे हैं यहाँ पे, पर मैं इतनी दूर हूँ जिसके कारण डीजे कवर नहीं आ रहे, मतलब कि डीजे का साउंड यहाँ तक नहीं आ रहा, आ रहा है कम आ रहा है, ठीक है। और मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ पापड़ खाता खाता, ठीक है। बच्चा कह रहा मैंने कुल्फी नहीं खानी, मम्मी कहती जबरदस्ती खा, आप तो ले ली, बाकी मेरा इंजॉय करो। एक हाथ में दिक्कत हो रही है, बंदा वीडियो बनाएगा पापड़ खाया, बताओ मैं क्या करूँ, अकेला है। मनीष को कॉल की थी, मनीष के पास छुट्टी थी, शायद वो स्टडी कर रहा है, तो चल रहा है काम कर रहे हैं हम, ओके सके हो गए, जैसे हो सकता है वैसे कर रहे हैं। शॉप नंबर हम 300 पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, मैं 300 नंबर शॉप पे तो आ गया हूँ, पर वहाँ पे सॉफ्टी की शॉप लगी हुई है, वहाँ ज्वेलरी की शॉप नहीं लगी हुई, ज्वेलरी की लगी हुई है, ये 292 पे, ठीक है, उसमें 293 पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ज्वेलरी की शॉप, मैं बैक से दिखाता हूँ शॉप्स, ज्वेलरी की जो शॉप है वो 292 पे लगी हुई है, ठीक है, 293 पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये लगी हुई है ज्वेलरी शॉप, और जो मुझे कमेंट आया था 300 नंबर शॉप, 300 नंबर शॉप रही ये, ठीक है, और 300 नंबर शॉप लगी हुई है सॉफ्टी की, ठीक है, ये 300 नंबर शॉप है। इन्होंने अपनी शॉप नंबर कीपर भी मतलब शॉप ही गुम कर रखी है, ठीक है, यहाँ सॉफ्टी का लगा हुआ है, सॉफ्टी यहाँ का रेट में लिखा हुआ कुछ भी, तो भाई ये 300 नंबर शॉप है, ये 300 नंबर शॉप है, ठीक है। शायद आपने सॉफ्टी लिखा होगा, मुझे पता नहीं, अपनी इंग्लिश कमजोरी है नहीं, हाई फाई इंग्लिश है नहीं। बाकी 303 नंबर पे लगी हुई है ज्वेलरी की शॉप, ठीक है, आई थिंक ये, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये ज्वेलरी की शॉप लगी हुई है, कोई मतलब कि प्राइस ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। ये है 303 नंबर, 304 नंबर शॉप, ठीक है, उसके बाद 305, तो ओके, तो अब करेंगे इसके चेंज, दूसरा कमेंट भी कवर, तीसरा कमेंट भी कवर कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ हमने वीडियो छोड़ी, वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। पापड़ खा के मुँह में बाल आ गया कंबल का। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने कवर कर लिया,
कोर्स सुनो, राजकुमार और विनोद और उर्फ दिवांश। तो फ्रेंड्स 303 नंबर शॉप, भाई ने मेरे ख्याल से ज्वेलरी की लिख दी, आई थिंक उनके पापा की थी, पता नहीं वो उनका बेटा था या फिर उनकी शॉप थी, मुझे ये पता नहीं है क्योंकि इंग्लिश इतनी हाई है नहीं। मैंने दोस्त को पढ़ाया था, उसने क्या बताया था मैं भूल गया वापस। 300 नंबर शॉप भी कवर हो गई है, मैंने दिखा दिया है, सॉफ्टी की शॉप लगी हुई है, वहाँ आइसक्रीम कुल्फी काल्फी मिल रही है, ठीक है। और 309 नंबर पे भी ज्वेलरी की शॉप लगी हुई है, जो कि भीड़ जो खोच खोच भीड़ पड़ी हुई है, इन्होंने कोई सेल्स लगाई है क्या? ये शॉप नंबर कौन सी है? 309 नंबर, ठीक है। तो उन्होंने ज्वेलरी की शॉप बताई थी कि ज्वेलरी की है नहीं, पर गाने चल रहे हैं उसकी वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो जो मेरा कुछ बैकग्राउंड का वेदर है, ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं वो मुझे कमेंट आया था कि किन सर का इंटरव्यू लेना है, वो काफ़ी अच्छा ज्ञान देते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बोला था कि वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो कोशिश करूँगा कि उनको भी कवर कर लूँ, कोशिश मैं भी ट्राई, ठीक है। बाकी रेट मैं सबके नहीं बता सकता, जो शॉप के बाहर रेट लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बताना पूछना फिर बंदा कस्टमर अटेंड कर रहा है तो बीच में थोड़ा बहुत हो ही जाता है। बाकी नेक्स्ट कल हम करने वाले हैं जहाँ झूले लगे हुए हैं वो सीट कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो हम आगे जा रहे हैं पर उधर गाना चल रहा है, आई थिंक गाना बीच में ना आए, अगर गाना बीच में ना आया तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर गाना बीच में आया तो वीडियो काटनी पड़ेगी और वीडियो का मेहनत करने के बाद फिर दिक्कत होती होती है, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो शॉप, अरे वाह ये बैंगल्स पापड़, ठीक है, गूगल्स गूगल्स ये सेल 100 रुपये की सेल है गूगल्स की, शॉप नंबर 340, ठीक है ना। तो ये सो रहे हैं बच्चे, सो रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, वैसे ये एरिया मैं कवर कर चुका हूँ, जब डीसी साहब यहाँ पे राउंड पे थे तब मैंने ये एरिया कवर किया था, ठीक है। पर फिलहाल शॉप पे जो प्राइस लगा है पर्स पे 250 रुपया सेल, पर्स पे 250 रुपया, ये चेक कर सकते हो 250 रुपया ये पर्स देख लो, 2000 के मोदी वाले नोट, ठीक है, 2000 के नोट है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं आगे, ठीक है, कान छिदवाए जाते हैं गन के साथ, कान छिदवाए जाते हैं यहाँ पे, अगर किसी बच्चे ने कान छिदवाने हैं शीर्षक का शॉप नंबर 348, ठीक है। और पूछता हूँ भाई कान छिदने के कितने पैसे लेते हो? 50 रुपये कान छिदने के, उसके बाद आप टॉप चेक कर सकते हो कौन सा आपने डालना है, डाल सकते हो, ठीक है। और ये गन होती है निशान लगा के पेन के साथ, गन थे मतलब कि जब मैं चंडीगढ़ में था मैंने बहुत छेद किए थे कानों में, अपनी खुद की गन थी। तो फिलहाल ये भाई कर रहा है, अगर आपने करवाने हैं किसी छोटी बच्ची के तो शॉप नंबर 384 है, 348 है, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, इधर भी 10 रुपये की सेल लगी हुई है, 10 रुपये की सेल लगी हुई है, ये आप चेक कर सकते हो, बच्चों के हंकी है कुछ समथिंग क्लिप क्लुप है। चलो हम आगे जाएंगे अब, तो अब भेलपुरी, भेलपुरी नंबर शॉप 350, ठीक है। इधर तो लंबा है, लंबा बहुत ज़्यादा, बाकी पान पुन खाने हैं, फायर फैन खाने हैं, ये पान खाने हैं, आप यहाँ पे आ सकते हो। पिज़्ज़ा 80 रुपये और 100 रुपये का पिज़्ज़ा है, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे वही स्टोर लगा हुआ है लंबा, जिसमें आपको सारा कुछ मिलता है, इसके अंदर आपको सारा कुछ खाने को मिलेगा, पाव भाजी से लेके सारा कुछ। पर देखना ना अपन की टेस्ट थोड़ा अलग अलग रहता है, बाकी ऐसा कुछ सीन नहीं है। और अब हम जागे आगे जा रहे हैं, आगे तो जा ही रहे हैं, ठीक है। क्या आपको काटना नहीं आता, हाथ में काटना आता, ऐसा कुछ सीन भी होता है। 150 रुपये की सेल, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, ठीक है, 150 रुपये की सेल है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो ये सारे 150 रुपये की, उधर गरम गरम 150 रुपये की, ठीक है। ये आप देख सकते हो छोटे बड़े पुराने नए मिक्स है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इधर ये बड़े बड़े रहे, ठीक है, बड़ों के। और नेक्स्ट आप देख सकते हो ये शॉप नंबर कितनी है, 367, खींच ली फोटो, अरे प्रदर्शनी में आ गई। तो यहाँ पे सॉक्स, ये ताऊ बुला रहा है, कुछ नहीं वीडियो बना रहा हूँ YouTube पे। तो आज एक देख ली शॉप भी दिखा दी कर ली। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शर्ट के अलग अलग दाम लगे हुए हैं, 300 400 ये रेट लगे हुए हैं, ठीक है। ये शॉप नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये चक्कर सकते, ये सेट लगे हुए हैं, ये सेट लगे हुए हैं, वो सारे सेट लगे हुए हैं। ये भाई बैठा हुआ है अपना स्माइल करता हुआ। शॉप नंबर ये होगी 370 नंबर शॉप है, 300 ये देख सकते हो, 370 नंबर ये 71 है, ये 370 इन्होंने वो डाल के छुपाया हुआ है, 370 नंबर शॉप है। ठीक है, ये हम आगे जा रहे हैं। ये 100 रुपये की सेल लगी हुई है मफरल की, शॉप नंबर 7372। ठीक है, और पर्स भी है, ठीक है, मफरल तो है ये, पर्स भी है साथ में, पर्स आप देख सकते हो, सेल है 250 रुपये की पर्स की। ठीक है, और ये 370 अचार लेने के लिए। तो चलो हम आगे चलेंगे। अरे भूत बनना हो किसी ने बन सकता है, या छल्ला बनवाना है यहाँ से बना सकता है। शॉप नंबर ये 374 है, 74 ये गेट नंबर होगा, आई थिंक 10 होगा। तो ये है शॉप नंबर, चेक कर सकते हो, टी शर्ट्स चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो शॉप नंबर 377। ठीक है, तो चलो अब हम आगे जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। ये अपर टेंट सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये चेक कर सकते हो, गेट नंबर 2 के पास बना हुआ है ये। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, गेट नंबर 2 के पास। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, वहाँ तक तो मैंने बनाई हुई है स्किप कर दूंगा, सीधा वहीं पर मिलेंगे हम आपको, वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया। अभी गर्ल्स भी आई हुई है गीता जयंती देखने। ठीक है, और हमने काफ़ी शूट किया हुआ है, मतलब कि वहाँ से लेके यहाँ तक हमने शूट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने शूट ख़त्म किया था, वहीं से मैं शूट स्टार्ट करूँगा, पर बीच में बारिश होने लगी, तो बारिश का हम आनंद उठाएंगे, पॉलिथीन बैन है तो बारिश का आनंद उठाएंगे, ठहरते वीडियो बनाएंगे। वाह क्या बात है, कल मैंने यहाँ पे वीडियो बंद की थी, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको वहाँ से लेके, मतलब कि वहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ तक मैंने सारी कवर कर ली है। ठीक है, तो आज हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं, और वहाँ डीजे लग गया, अगर डीजे ना चले तो मेरी वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए, अगर डीजे चल पड़े तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, के ना ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, इसलिए मैं वीडियो बीच में बंद कर रहा हूँ। हम कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं और वहाँ डीजे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं फॉरवर्ड में निकाल रहा हूँ और बैकग्राउंड में हल्का सा प्यारा सा म्यूजिक लगा रहा हूँ, जिसके कारण आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। ये कुछ मैंने फॉरवर्ड में थोड़ा स्लो, कभी फॉरवर्ड में, फिर मतलब कि आपको मज़ा आएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड तक देखना। और इसमें आपको जो गुरुकुल के बच्चे आरती करते हैं शाम को ब्रह्म सरोवर की, वो भी ऐड की हुई है मैंने, मतलब कि आज कवर की हुई है, तो एंड तक वीडियो देखना। Thank you.
हमने उस कॉर्नर से लेके यहाँ पे कल हमने फिनिश की थी वहाँ से लेके इस कॉर्नर तक बना लिया, बीच में सॉन्ग चल रहे थे जिसके कारण मैंने बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया और बस आपको चलते हुए दिखना पड़ा, थोड़ा फॉरवर्ड में भी निकाल दिया थोड़ा मतलब कि वीडियो कम हो जाए। तो अब हम चलेंगे आगे और यहाँ तक तो वैसे मैंने कवर किया हुआ है 712 नंबर शॉप यहाँ पे और यहाँ पे वहाँ पे जो सीनरी मिलती है वो बढ़िया वाली वो भी वहाँ तक कवर किया हुआ है। तो पीछे ये नुक्कड़ तक पहुँच गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं थोड़ा और बना लेते हैं। तो बैकग्राउंड में म्यूजिक उसके लिए सॉरी, तो चलो आगे चलते हैं, इस कॉर्नर से चल रहे हैं आगे। एक चीज़ और, हमें किसी भाई ने कमेंट किया था 8 तारीख को पेवा से कोई स्कूल है DAV वो आएगा। भाई तूने एक तो स्कूल का मतलब कि टाइमिंग नहीं बताया कब आएगा, मेरा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, मैं कब आता हूँ वीडियो बनाने कब नहीं, पर मैं जब आता हूँ तो मेरे एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे मेरे यहाँ पे खपत होते हैं, मैं बनाता हूँ। सपोज करो आप आए हो, मैं पल्ली साइड हूँ और वहाँ से मैं एक बार जहाँ से मैंने ख़त्म की वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पर उससे पहले जो कमेंट रहता है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। 8 तारीख को आना है ना तुमने, कोई बात नहीं देखते हैं, अभी तो बहुत दूर पड़ा है 8 तारीख। और अभी बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक आएगा तो मैं कट कर दूँगा ये नौसिया ये सीन। तो फिलहाल हम आगे चल रहे हैं, तो अभी हमने वो उधर इधर वो उस कॉर्नर से लेके ये सारा कवर कर लिया, ओवरऑल आपने पूरी गीता जयंती देख ली है, ठीक है। अब जो इनके बाहर जो लगे हुए थे झूले गोल गोल घूमने वाले वो लगे होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और जहाँ पे डांस होता है वो भी दिखाऊंगा, मतलब कि जहाँ पे इंटरनेशनल होता है, मतलब कि कोई बाहर से कौन कौन आ रहा है वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन आ रहा है, अगर उन्होंने गानों पे डांस किया या फिर गाना, जैसे पिछली बार सतेंद्र सरताज आया था और क्लैश खेर आया था वो आया था, तो उनकी स्टेज कहाँ लगी होती है, पहले तो वो यहाँ होते थे पर यहाँ पे अभी लगेगी क्या कहते हैं हरियाणवी कल्चर लगेगा यहाँ पे। गाने बंद हुए, गाने चल पड़े थे, बीच में रोकना पड़ जाता, फिर टॉकिंग करता हुआ दिक्कत आ जाती है, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा आया था गाने चलने की वजह से मैं भूल गया, फिर चल रहे हैं तो आगे चल रहे हैं हम। टेडी बियर बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो बड़ा सा ये चल रहा है, इसलिए मैं बीच में म्यूज़िक बंद कर रहा हूँ। तो ये आप देखो मुझे ये टेडी बहुत अच्छा लगा, बाकी गाने चल पड़े फिर से पीछे, मैं अब इसको म्यूज़िक ही लगाऊंगा इसके पीछे। टेडी है मुझे वो कछुआ भी बहुत अच्छा लगा, जो ये प्यारा प्यारा कछुआ पड़ा हुआ है ये भी बहुत अच्छा लगा, ये वाला कछुआ बहुत अच्छा लगा। इसमें तो आया था कि मुझे साथ के साथ हिस्ट्री भी बतानी चाहिए, तो भाई सॉरी मुझे इतनी हिस्ट्री यहाँ की नहीं पता और वैसे मेरी याददाश्त भी कमज़ोर है, और बाकी अगर हिस्ट्री बता रहे हैं तो कंटिन्यू बतानी पड़ती है, सारी अच्छे से बतानी पड़ती है, और यहाँ बीच में गाने सॉन्ग चलने लग जाते हैं डीजे पे तो मैं अच्छे से नहीं बता पाता, वैसे मैं कुछ बोलता बोलता भूल जाता हूँ, रीज़न क्या रहता है कि बीच में गाने चल जाते हैं जिसके कारण वीडियो रोकनी पड़ती है, तो हिस्ट्री के साथ नहीं बता सकता उसके लिए सॉरी। और क्या इसकी हिस्ट्री है मैं सारी एक बार उसके ऊपर वीडियो बना देंगे जी हो जाएगा, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना। और बस आज के लिए इतने काफ़ी है, हम इस गुम्मत के पास ख़त्म कर रहे हैं, कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, अगर कुछ और कमेंट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बाकी बस आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो और बाय। सॉरी फ्रेंड्स मैंने ये पूरी ख़त्म नहीं की क्योंकि मैं अभी घूम रहा था, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं घूमता नहीं हूँ, और अभी मैं वीडियो बनाते समय मेरा सारा ध्यान वीडियो में रहता है, और एंड करने से पहले मैंने कमेंट भी आया था कि जो गुरुकुल के जो छात्र है वो जब आरती करते हैं उनकी वीडियो बनाएं, तो वहाँ पे होती है आरती, मेन आरती, अगर उनके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता तो मैं नहीं कर सकता, पर यहाँ पे अभी आरती होगी मैं आपको पूरी आरती दिखाऊंगा। तो एक और कमेंट याद आ गया था मुझे, मैं तो घूम रहा था, मैं चलो कवर कर लेते हैं, तो इनकी आरती दिखाते हैं, और अभी ये आरती स्टार्ट करेंगे, अभी सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ओवरऑल मैंने सारे कमेंट कर दिए, अगर किसी का रह गया तो सॉरी मुझे माफ़ कर देना, ये आ रहा था बीच में कुछ, ठीक है। अभी कुछ नज़ारा यहाँ का मैं बैकग्राउंड में दिखाता हूँ, गुरुकुल के हैं ये, गुरुकुल के मतलब कि स्टूडेंट है ये, गुरुकुल के यहाँ पे गुरुकुल है, ठीक है। तो ये आरती करते हैं हर रोज करते हैं यहाँ आरती ब्रह्म स्वरूप की, ठीक है। और जो ब्रह्म स्वरूप का नज़ारा देख लो कितना ज़बरदस्त है, बहुत औसम नज़ारा है ये, और वहाँ पे मेन आरती होती है, यहाँ पे मेन आरती होती है जो कि मैं कवर नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, ठीक है। हाँ जिस दिन देख लेंगे, अगर कवर करके एक स्पेशल आरती अपलोड कर दूंगा, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया तो बढ़िया आया, ठीक है। शाम का नज़ारा इस वेले 6 बजे है, और ये देखो ऑसम, ठीक है। तो ये इधर दुकानें लगी हुई हैं ये सारे, अभी ये आरती का नंबर उठाएंगे, ठीक है, अभी आरती शुरू होगी, तो मैं आपको पूरी आरती दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अभी कवर करना है, ये जो झूले देख रहे हो ना ये चल रहे हैं मेले के, ये फोकस करूँ थोड़ा थोड़ा सा फोकस कर दे भाई,
तो ये अभी झूले जो चल रहे हैं ये मैं कल या परसों तक कवर करूंगा, रात को ही कवर करूंगा, रात को ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। ठीक है, ये आरती चल रही है, मुझे कमेंट किया था। अभी आरती हो रही है और आप ये देख रहे हो, ठीक है, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अभी मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है और ट्राइपॉड स्टैंड ना होने का दिक्कत हो रही है। और हवा बहुत तेज चल रही है।
फ्रेंड्स आरती ले लो ये आरती ले लो आपके लिए तो फ्रेंड्स ओवरऑल अच्छा आरती हो गई है तो एक सारा नज़ारा देखो इस टाइम रोज होते हैं हर रोज आरती होती है ब्रह्म सरोवर में चाहे मेला हो या ना हो ये आरती हर रोज होती है और आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। तो ये आज मैं रुक गया मतलब कि मेरे जो 4 बजे 4:30 5 बजे तक मेरी वीडियो बन गई थी तो मुझे कमेंट आया था फिर मैं नोन में आया कि हाँ भाई अभी घूमते हुए इतना टाइम हो गया तो 5 मिनट और सही और यहाँ पे होगी अभी आरती। तो गुरुकुल के ये शिष्य हैं उनके बच्चे गुरुकुल के हैं ये सारे जो यहाँ पे आरती करते हैं हर रोज़ करते हैं जब हम चिंटू को यहाँ स्विमिंग कराते थे। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी वो इसी चैनल पे है अगर नहीं देखी तो देख लेना चिंटू यहाँ से वहाँ तक प्रैक्टिस करता है यहाँ पे पुल बना हुआ है तो ये हर रोज़ यहाँ पे आके आरती करते हैं ठीक है और बहुत मज़ा आता है मतलब कि शाम को ना मतलब कि अभी तो वैसे मेला है बहुत वैसे ही बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप बिना मेले के आओगे जैसे आपका स्पोर्ट आप लोकल वॉच कर रहे हो आपको बहुत स्ट्रेस है या फिर आप परेशान हो किसी चीज़ के यहाँ एक मिनट आके सुकून मिलता है ना शांति मिलती है दिल को वो जहर वाली शांति मिलती है। तो आज की गीता जयंती आई होप कि आपको बढ़िया लगी हो पर बीच में मैंने काफ़ी म्यूज़िक था गाने चल रहे थे तो वो मैंने म्यूज़िक डाल दिया बैकग्राउंड में तो आई होप कि आपको इतना बुरा नहीं लगा होगा। वैसे कमेंट्री के साथ ज़्यादा बढ़िया लगती है शोर शराबे के साथ ज़्यादा बढ़िया लगती है एक नेचुरली फील आता है कि हाँ भी मेले में ऐसा होता है हाँ शोर शराबा आता है वो होता है तो एक म्यूज़िक के साथ ना वो आता नहीं मैंने बल्कि यूट्यूब पर सर्च करता रहता हूँ कौन कौन कैसे अपलोड कर रहा है तो देखा है कि म्यूज़िक के साथ एक इफेक्ट अच्छा लगता है पर वो मज़ा नहीं जो असली फील होता है ना वो नहीं आता। मैंने काफ़ी जगह देखा जब स्विमिंग कंपटीशन होता है ना उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा दो तो वो फील मर जाता है जो रियल का होता है ऐसे लगता है कि जैसे हम खुद देख रहे हैं। मेरी बात में दम है तो लाइक कर देना आज के लिए इतना काफ़ी है बाय फ्रेंड्स। जो भी कमेंट थे मैंने आज सारे कवर कर दिए अब इस वीडियो में कौन से कमेंट आते हैं वो देखते हैं वो कवर करेंगे और जिसने मुझे बोला था गेट नंबर 1 से 2 नंबर तक बनाओ उसने मुझे कमेंट किया कि भाई ये कमेंट मैंने ही किया था तो शायद उसको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो मेरी हर एक वीडियो को। बाकी वो जहाँ इधर पीछे ना झूले लगे हुए हैं मैंने पहले भी दिखाया था झूले लगे हुए ना ये भी कवर करेंगे डे में भी कवर करूँगा नाइट में भी कवर करूँगा कोशिश रहेगी कि दोनों टाइम कवर करूँ। अभी ये जाएंगे गुरुकुल गुरुकुल पास में ही है ठीक है और बस आज के लिए इतना काफ़ी है बाय फ्रेंड्स थैंक यू वॉच द वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना बस। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड तक पहुंच गया तो मैं बता दूं जी चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी जिस पे आप गीता जयंती देख रहे हो ये है टेक्निकल लवली मनी जिसके ऊपर मैं टैक्स से रिलेटेड वीडियो डालता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें थैंक यू वॉच द वीडियो।